हेलो स्टूडेंट्स एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल क्या मैं आप सबको दिखाई और सुनाई पड़ रहा हूँ एक बार क्लियर करते हैं फिर क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा मैं क्या आवाज मेरी क्लियर आ रही है हेलो ठीक आ रही है बेटा आज मेरे पास आपके लिए दो इन्फॉर्मेशन है पहली इन्फॉर्मेशन तो है ये है कि जो भी बच्चे उत्तराखंड एल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारे पास एक कम्प्लीट सलेबस है और उसकी टेस्ट सीरीज भी हम लोग प्लान कर रहे हैं और उनके जो लास्ट ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी प्रैक्टिस सेशन भी स्टार्ट करने वाले हैं तो जो भी बच्चे आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसके एलटी की जो उत्तराखंड एलटी का है उसके रिगार्डिंग जो आपका कांटेक्ट नंबर कांटेक्ट नंबर पे अपना कॉल करके जो भी इन्फॉर्मेशन है पूरी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं ये बेटा कोर्स बहुत फास्ट चल रहा प्रोग्रेस में है और कॉन्टीन्यूसन में है तो जो भी बच्चे आप इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी एडमिशन लें जिससे आपका जो हाउच पाउच वाला सीनेरियो वो आपके अंदर क्रिएट नहीं हो कोई चावस क्रिएट नहीं हो तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं बस इसी इन्फॉर्मेशन के साथ आज बेटा एस ब्लॉक इन ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर जो है जो थोड़ा रिएक्शन वाला वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसमें मैं आपको बताऊं का एस ब्लॉक के बारे में और थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इसमें किस टाइप के रिएक्शंस और किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन बेटा हमारे दिमाग में आता है कि एस ब्लॉक तो लर्न करने वाला है जब भी हम लोग एस ब्लॉक स्टार्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि एस ब्लॉक तो सर लर्न करने वाला है हाँ ऑफकोर्स लर्न करने वाला ही टॉपिक है लेकिन एक बात ध्यान से बेटा सुन लो जो तुम लर्निंग करेंगे जो भी आप सारे लर्निंग इसकी करेंगे चार पांच दिन में करोगे वो एक डेढ़ घंटे में मैं आपको पूरा ब्रीफ कर दूंगा जिससे आपके सारे क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगे तो सारे आप फोकस करके कॉन्सनट्रेट करके पूरा टॉपिक देखिएगा तो सबसे पहले बेटा एस ब्लॉक होते क्या है तो हम यही बोलेंगे इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन ठीक है ना इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं हम लोग ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर जाता है एस सबसेल में जाता है या एस ऑर्बिटल में जाता है पर ध्यान से सुन लें अगर ऑफ बा के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं ऑर्बिटल्स में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर एंटर करता है एस सबसेल में एंटर करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट होता है एक पॉइंट ध्यान से लिख लें आप इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर एंटर कहां पर एंटर करता है एस सबसेल में एस सबसेल में एंटर करता है अब कुछ बोलेंगे सर ये सबसेल है या ऑर्बिटल है तो एस बेटा सबसेल होती है और एस सबसेल में खाली कितने ऑर्बिटल होते हैं एक ऑर्बिटल होता है ठीक है ना तो एस में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आप फिल कर सकते हो बहुत ध्यान से बेटा सीखना से एस सबसेल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन भर सकते हो तो उसमें दो ग्रुप होते हैं और दो ग्रुप में पहला ग्रुप जो होता है उसको क्या बोलते हैं अलकली मेटल बोलते हैं अलकली अलकली मेटल बोलते हैं और दूसरा कौन सा होता अलकलाइन अर्थ है मेटल अलकलाइन लाइन अर्थल बोलते हो दो टाइप के ग्रुप हैं दो ग्रुप होते हैं यही क्वेश्चन तो इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि दो ग्रुप क्यों बनते हैं तो हम यही बोलेंगे कि एस सबसेल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन फील हो सकते हैं तो दो ग्रुप बनेंगे पहला कौन सा अल्कली मेटल है और दूसरा कौन सा अल्कलाइन अर्थ मेटल है तो आज हम लोग कोशिश करेंगे आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको अलकली मेटल की पूरा जो है ब्रीफ करवा दूं और उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी और उसके कंपाउंड्स की भी थोड़ी सी ब्रीफिंग कर लेंगे तो ध्यान से स्टार्ट करते हैं अलकली मेटल अलकली मेटल क्या होता है बेटा तो अलकली वर्ड कहाँ से आया था ये पूछा नहीं जाता कभी भी नहीं पूछा जाता बट एक अरबियन वर्ड है जनरली हम लोग केमिस्ट्री की बात करते थे तो कहाँ की बात करते थे ग्रीक की या फिर लेटिन की बात करते थे बट एक वर्ड जो अलकली है अलकली ये कहां से आया था अलक्यूली अलक्यूली कौन सा वर्ड है अरबियन वर्ड है उसका मतलब क्या होता है एस अ प्लांट उसमें क्या होते हैं जनरली बेसिक कार्बोनेट्स होते हैं कौन से कार्बोनेट होते हैं बेटा बेसिक कार्बोनेट जब भी किसी प्लांट को जलाते हो वो तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कार्बोनेट के फॉर्म में और वो कैसे कार्बोनेट होते हैं बेसिक कार्बोनेट होते हैं तो उसको उन्होंने क्या बोला था अलक्यूली और अलक्यूली से क्या हमारा वर्ड आ गया अलकली तो अगर अलकली मेटल की बात करें तो अलकली मेटल हमारे पास कितने हैं यही हैं सारे अब यहां पर आप बोलोगे सर हाइड्रोजन भी होता है तो हाइड्रोजन की पोजीशन अभी आपकी विवादस्पद है इसको फर्स्ट ग्रुप में भी रखते हैं और सेवनटीन ग्रुप में भी रखते हैं और बीच में भी कभी कभी इसकी अलग से भी स्टडी करते हैं तो हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे लिथियम से करेंगे और इसको याद करने का मैंने कोड भी बताया था आपको हेलीना करे रब से फरियाद हेलिना मतलब हाइड्रोजन लिथियम, सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम एंड फ्रांसियम मतलब हाइड्रोजन जो है नहीं इसमें है ना हाइड्रोजन की पोजिशन में नहीं है लिथियम, सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम एंड फ्रांसियम कितने एलिमेंट है ये सारे एलिमेंट है अच्छा बेटा इसका कोड भी मैंने बताया था तुमको कोड बताया था एटॉमिक नंबर लर्न करने का कौन सा कोड था टू क्वाट क्वाट तो अगर हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर वन सपोज कर लें हाइड्रोजन अलकली मेटल नहीं पहली बात तो दिमाग में रख लीजिएगा अगर वन में टू ऐड करते हो तो कितना आ जाएगा थ्री एट ऐड करेंगे अलेवन और यहां पर एट ऐड करेंगे नाइनटीन और नाइनटीन में एटीन थर्टी सेवन फिर 18 ऐड करेंगे तो 55 और यहाँ पर 32 ऐड कर देंगे तो 87 सेवन ए इनके क्या हो गए एटॉमिक नंबर हो गया बहुत तो हाँ ध्यान से बेटा समझना अलकली वर्ड कहाँ से आया था अलक्वली से आया था अलकली वर्ड कहाँ से आया था अलक्वली से हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं बट हाइड्रोजन होता नहीं अलकली मेटल में है ना इसकी पोजिशन जो होता फर्स्ट ग्रुप मतलब अलकली मेटल के साथ भी करते हैं और लास्ट में भी करते हैं ना कहाँ से स्टार्ट करेंगे लिथियम और कहाँ तक जाएंगे फ्रांसियम अच्छा बेटा ये तो सारे नॉर्मल मेटल्स हैं लेकिन फ्रांसियम कैसा होता है रेडियो एक्टिव माना जाता है इसको क्या माना जाता है रेडियो एक्टिव तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता कि कौन सा एलिमेंट इसमें रेडियो एक्टिव होगा देन आंसर विल बी फ्रांसियम होगा तो दिस इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है अच्छा लिथियम का इस्तेमाल कहां पर करते हो लिथियम आयन बैटरी लिथियम आयन बैटरी अब देखिए पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है आपका जो मोबाइल है लैपटॉप है जिस जहां पर भी आपकी बैटरी का इस्तेमाल होता है वहां पर क्या इस्तेमाल होता है लिथियम होता है है ना अब जो आगे के आगे के वर्क होने जा रहे हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे पोटेशियम और सीजीएम पोटेशियम सीजीएम ये कहां पर इस्तेमाल होता है आपका सोलर प्लेट्स में इस्तेमाल होता है सोलर सिस्टम में बिकॉज आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है तो आगे जो फ्यूचर आपका डिपेंड करेगा किसके ऊपर पोटेशियम और सी जो होता है ये कि किसकी तरह से इस्तेमाल करने वाले हैं हम लोग सोलर प्लेट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने में काम करने तो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है बेटा ये आसान नहीं है लेकिन <coughs> इम्पॉर्टेंट है मतलब केमिस्ट्री जो है आपकी रियल लाइफ से अटैच होती है जो भी इसके होते हैं काम आपके रियल लाइफ में आपको इफेक्ट करते हैं जैसे लीथियम है तो लीथियम बैटरी हो गई है ना लिथियम आयन बैटरी हो गई सोडियम हो गया सोडियम का फंक्शन भी पता है आपको सोडियम की भी बैटरी बनने वाली है अभी एक न्यूज आई थी कि अंबानी ने बहुत सारा सोडियम क्या है अक्यूपाई करके रखा हुआ उसने अक्यूपाई मतलब बहुत सारे इसने इसके सोडियम की खदानें ले ली हैं पोटेशियम रिबीडियम और सीजियम इनकी अगर बात करें पोटेशियम और सीजियम की तो कहां पर इस्तेमाल हो रहे हैं सोलर सेल्स में जो सोलर प्लेट बनने वाले पैनल बनने वाले हैं वहां पर इस्तेमाल होने वाला तो सब इंपॉर्टेंट है बेटा उसमें ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब अब जो होता है एक बात समझ लेना जो सबसे छोटा इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट मतलब हाइड्रोजन नहीं फर्स्ट एलिमेंट पहली बात तो ये समझ लें कि हाइड्रोजन को नहीं मानना हमको कहां से मानना है हमको मानना लिथियम से लीथियम जो होता है लीथियम लीथियम बाकी सारे एलिमेंट्स हैं बाकी सारे कौन से सोडियम पोटेशियम रिबीडियम सीजियम और फ्रांसियम इन सबसे अलग प्रॉपर्टीज़ होकर वापस बोलना ध्यान से समझना जो लिथियम होता है फर्स्ट ग्रुप के जो अलकली मेटल होते हैं बाकी सारे अलकली मेटल से अलग प्रॉपर्टी कुछ प्रॉपर्टी इनकी सबसे अलग होती है उसे क्या बोलते हैं बेटा एनामलस बिहेवियर अगर कुछ तुम कमेंट कर रहे हो तो मैं देखता रहूंगा आप लोग कमेंट अपने करते रहिएगा इसमें बहुत बढ़िया बेटा जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी है जो भी इंफॉर्मेशन है आपका कॉन्टेक्ट नंबर जो दिया हुआ उस पर कॉल करके अपनी सारी क्यूरीज आप क्लियर कर सकते हैं ठीक है ना उसमें कोई भी डाउट आपको हो तो कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉल करके अपने सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं ठीक है ना और जो टॉपिक रिलेटेड प्रॉब्लम आप मुझसे पूछ सकते हैं उसके बैंक में लिख करके चलिए आगे बढ़ते हैं तो लिथियम तो, एनामेलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है लिथियम है लिथियम सबसे अलग व्यवहार क्यों सो करता है तो इसके रीजन मैंने लिख दिए मैंने बोला ना तुम्हारे लिए मैं नोट्स ही बना के आया हूँ पूरा नोट्स बना एक घंटे में सारा खत्म कर दूंगा एक घंटे एक घंटे दस मिनट बीस मिनट जो भी लगे पूरा का पूरा इस ब्लॉक खत्म कर दूंगा सारे क्वेश्चन आपके इसमें से अटेम्प्ट हो जाए पहला रीजन स्मॉल एटॉमिक और आयनिक साइज सबसे छोटा साइज होता है।, है ना बहुत ही छोटा साइज होता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो शेयर मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्ट करता है उसे क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगती है उसे क्या बोलते हो आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हो है ना तो ये दोनों वैल्यू सबसे हाई होती है हाई पोलराइजिंग पावर पोलराइजेशन क्या होता है देखो पोलराइजेशन क्या होता है थोड़ा सा समझ लें अगर कैटायन, कैटायन मतलब लिथियम हो गया लिथियम प्लस छोटा होता है एनायन बड़े होते हैं एनायन का साइज बड़ा होता है तो क्या करता है देखो बहुत ध्यान से समझिएगा अगर कैटायन छोटा बदमाश कैटायन है इसको बदमाश कैटायन समझ लें वो तो क्या करता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है ये क्या करता है बेटा अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाता है और न्यूक्लियस को रिपेल करने लगता है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपका इस तरफ आ जाता है न्यूक्लियस इस तरफ आ जाता है तो इसका जो सेप है बिगड़ जाता है एनायन का सेप क्या होता है बिगड़ जाता है एनायन का सेप जो बिगड़ जाता है उससे जो कौन सा करेक्टर आ जाता है बेटा को वैलेंट करेक्टर आ जाता है कौन सा करेक्टर आ जाता है को वैलेंट करेक्टर आ जाता है अगर कैटायन का साइज स्मॉल है चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो बड़े एनायन को बड़े एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है न्यूक्लियस को रिपेल करता है। प्लस है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा अट्रैक्ट कर लेगा अभी देखें सिमिट्रिकल है सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया न्यूक्लियस को रिपेल कर दिया अब जैसे किसी का हाथ पकड़ लो आप और उसका मुंह को दूर मतलब हाथ को खींचो मुंह को ऐसे प्रेस करो तो कैसा लगता है कि मतलब उसका सेप बिगड़ जाता है, है ना ऐसा लगेगा वो उसका माउथ दूर हो जाएगा है ना इस टाइप के जो फिना बिना होती है उसे क्या बोलते हैं पोलराइजेशन है। और ये जो पोलराइजिंग पावर होती है इसकी वजह से उसमें कौन सा करेक्टर आता कोवैलेंट करेक्टर आता है जितना ज्यादा पोलराइजेशन होता है उतना ज्यादा कोवैलेंट करेक्टर आता है एक पॉइंट लिख देता हूं पोलाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है कोवेलेंट कैरेक्टर होता है कोवेलेंट कैरेक्टर ठीक है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर तो सबसे ज्यादा पोलाइजिंग पावर किसकी होती है बेटा लिथियम की होती है सबसे छोटा साइज होता है तो एनामलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट दैट इज लिथियम क्यों होता है सबसे छोटा साइज कौन सा साइज एटॉमिक साइज आयनिक साइज सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा आयोनाइेशन एनर्जी और सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर मतलब सबसे ज्यादा सेप को बिगाड़ने का काम भी करता है किसका है सेनाइन का बिगाड़ देता है इसलिए सबसे ज्यादा सेलेंट करेक्टर भी किसके अंदर आता है लिथियम के अंदर आता है आई थिंक क्लियर हो गया होगा चलिए और आगे चलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है बहुत ध्यान से समझें डायगोनल रिलेशनशिप वही होती है कि जैसे तुम अपने घर से अपने घर में किसी से सबसे झगड़ा करो और दूसरे के घर में जाकर के उससे व्यवहार बना लो वापस बोल रहा हूं अपने घर में सबसे तुम्हारी नहीं पट रही है तुम तुम बिहेवियर बिहेवियर शो शो कर कर रहे रहे हो हो अपने घर में सबसे एनामलस सो कर, रहे दूसरे के घर में तुम्हारी सबसे पट रही है इसको क्या बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप जैसे लिथियम की किससे पटना चाहिए सोडियम से पटना चाहिए है ना फर्स्ट ग्रुप में कौन सा होता लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबीडियम सीजियम तो लिथियम को किससे सिमिलरिटी शो करनी चाहिए ये विभीषण है लिथियम विभीषण है समझ लेना डायगोनल रिलेशनशिप मतलब बगल वाले से दोस्ती कर रहा है तो सबसे पहले इसकी दोस्ती किसके साथ होनी चाहिए थी सोडियम के साथ बिकॉज एक ही ग्रुप में है सारे बट ये क्या करता है सिमिलरिटी किसके साथ करता है मैग्नीशियम के साथ शो करता है बेरिलियम किसके साथ शो करना चाहिए मैग्नीशियम के साथ ये किसके साथ शो करता है एल्यूमिनियम के साथ शो करता? करता है मतलब लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी सेम होती है बेरिलियम एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी सेम होती बोरॉन और सिलिकॉन की प्रॉपर्टी सेम होती मतलब इस तरह से सिमिलर प्रॉपर्टी मतलब जो प्रॉपर्टी लिथियम शो कर रहा है वही मैग्नीशियम कर रहा है तो जब ए कर रहा है तो बेरिलियम ने कहा भाई तुम कर रहे हो तो मैं भी करूंगा तो बेरिलियम किसके साथ एल्युमिनियम के साथ सिमिलरिटी शो so करने लग जाता है तो बोरॉन भी पीछे नहीं रहता और सिलिकॉन के साथ सिमिलर प्रॉपर्टी इसे क्या बोलते हैं हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप क्या बोलते हो बेटा डायगोनल रिलेशनशिप अब डायगोनल ये देखो डायगन है ना डायगन है ना तो इससे नहीं सो कर रहा है अब तुम सोचो कि बेरिलियम के साथ बेरिलियम के साथ नहीं ये होता तो कौन सा एडजेसेंट होता है ना? ये इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप ठीक है ना अब क्या -क्या? इनका सिमिलर अबिलर होता है तो दे विल सिमिलर इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर मतलब इसका इलेक्ट्रो ए भी आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं लूज करता है ए भी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है तो दोनों मतलब एक ही टाइप का मतलब अलकली मेटल का टेंडेंसी क्या होती है कि आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन लूज करता अलकली मेटल लूज करते हैं लेकिन लिथियम और मैग्नीशियम ये दोनों घाघ होते हैं ढीठ होते हैं आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है तो इसलिए इनकी इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर मींस इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रॉपर्टी एक पॉइंट लिख दे रहा हूं टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन क्या लिखोगे इसे टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन लूज इलेक्ट्रॉन है ना इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर दोनों के क्या होते हैं सेम होते ठीक है ना दूसरा दूसरा अभी केमिकल प्रॉपर्टी भी बताऊंगा सेकेंड क्या होता है सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस इन लोगों का जो एटॉमिक और आयनिक रेडियस होता है देखो ध्यान से समझो आयनिक रेडियस इधर बढ़ेगा इधर बढ़ेगा तो इसका इसका एटॉमिक और आयनिक रेडियस क्या होता ऑलमोस्ट सेम हो जाता है. तो पहला क्या था सेम इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर दूसरा एटॉमिक और आयनिक रेडियस और तीसरा सिमिलर पोल पोलराइजिंग पावर मतलब जो एनायन का शेप बिगाड़ते हैं जो एनायन का शेप बिगाड़ते हैं दोनों सेम इफिशिय के साथ है का दोनों की पावर सेम होती है क्लियर चलिए अब यही रीजन है यही रीजन है ध्यान से समझना है। अगर मैं लिथियम क्लोराइड लिथियम क्लोराइड और MgCl2 की बात करूं है ना तो दोनों के अंदर कौन सा करैक्टर आता है दोनों कैसे होते हैं कोवेलेंट होते हैं और बोथ आर सोलूबल इन अल्कोहल अल्कोहल सी टू एच फाइव ओ एच में सॉल्युबल होते हैं क्यों सॉल्युबल होते हैं क्यों क्योंकि दोनों की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है पोलराइजिंग पावर से क्या आ जाता है कोवेलेंट करेक्ट और कोवेलेंट वाले किस में सॉल्युबल होते हैं अल्कोहल में आयनिक वाले किस में सॉल्युबल होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा चलिए ठीक है ना इसके बाद बेटा क्या होता है ध्यान से समझना जब दोनों के रिएक्शन देख लें कौन कौन से रिएक्शन में सिमिलरिटी शो करते हैं तो जैसे लिथियम क्या करता है नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता एल आई थ्री एन बनाता है था सर, थ्री एन पिता इसकी वैलेंसी कितनी होती है? तीन तो इसकी वैलेंसी में लिखेंगे इसमें लिखेंगे और इसकी वैलेंसी इसमें लिखेंगे तो बैलेंस करना है तो यहां तो एन है और यहां पर टू एन है तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा टू एल आई थ्री एन और यहां पर क्या हो जाएगा सिक्स एल आई हो जाएगा है ना भाई एल आई की वैलेंसी कितनी होती वन होती है नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है तीन तो उसी रेशियो में लिख दिया है ना पता ही होगा आपको मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम भी क्या करता है एन टू के साथ रिएक्ट करता है अब क्या बनाता है एम जी एन बनाता है जरा देख लें आप मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है टू नाइट्रोजन की कितनी होती है थ्री तो क्या करोगे क्या करोगे मैग्नीशियम में थ्री लिखेंगे और नाइट्रोजन में टू लिखेंगे ठीक है ना ये फॉर्मूला एम जी थ्री एन टू बनेगा तो फॉर्मूला यहां पर क्या करोगे थ्री एम जी एन टू है ना दोनों तो क्या करते हैं नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाते हैं इसको क्या बोलोगे लिथियम नाइट्राइड और इसको क्या बोलेंगे मैग्नीशियम नाइट्राइड इसको बोलेंगे लिथियम लिथियम नाइट्राइड नाइट्राइड और उसको क्या बोलोगे मैग्नीशियम नाइट्राइड फॉर्मूला कैसे बनाते जो वैलेंसी का होता है क्रिस क्रॉस करके हम लोग फॉर्मूला बना लेते हैं क्लियर चलिए अब देखें लिथियम लिथियम क्या करता है ध्यान से समझते हैं सारे क्वेश्चन है बेटा ये रिएक्शन आपसे पूछ सकता है ठीक है ना सारी रिएक्शन करवा रहा हूं सेकेंड रिएक्शन कंप्लीट करो एल आई ओ एच अगर हीट करते हो अगर इसको हीट करते हो तो क्या बनेगा एल आई टू ओ प्लस एच टू ओ बनेगा एल आई टू ओ प्लस एच टू ओ बनेगा है ना यहां पर अगर एम जी ओ एच अगर इसको हीट करते हो तो एम जी ओ और प्लस एच टू ओ दोनों सेम रिएक्शन देते हैं है ना अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड करेगा तो क्या बनाता है ऑक्साइड बनाता है लिथियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा एल आई टू ओ क्यों ऑक्सीजन की वैलेंसी टू और लिथियम की वैलेंसी कितनी होती वन तो एल आई टू हो गया बैलेंस करना है तो यहां पर क्या लिख लो गई टू मैग्नीशियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है मैग्नीशियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा एम बनाएगा है ना बैलेंस कर लीजिएगा इसे ठीक है बैलेंसिंग तो थोड़ा आप देखिएगा नहीं भी अगर बैलेंस करते हो तो बाद में बैलेंस कर सकते हो ठीक है ना इसमें बैलेंसिंग कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है अगला एल आई टू सी ओ थ्री अगर हीट करते हो हीट करते हो तो क्या बन जाएगा एल आई टू ओ और प्लस सी टू बन जाएगा यहां पर यहां पर क्या होगा एम जी सी ओ थ्री एम जी सी ओ थ्री को हीट करते हो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा और यहां पर क्या बन जाएगा सी ओ टू एल आई एन थ्री एल आई थ्री तो क्या बनेगा एल आई ओ प्लस एन टू और प्लस ओ टू बनेगा अगर एम जी एन थ्री ट्वाइस है एम जी एन थ्री अब एम जी एन थ्री ट्वाइस क्यों लिखा भाई मैग्नीशियम की वैलेंसी टू नाइट्रेट की वैलेंसी वन तो इसकी इसमें लिख दी मैग्नीशियम की इसमें लिख दी अब एनओ थ्री क्या है पॉलीएटॉमिक आयन तो गोल लिखना पड़ेगा अगर एक एटम होता है यहाँ पर तो डायरेक्ट लिख सकते हैं एनओ थ्री है आपका पॉलीएटॉमिक है तो उसमें क्या करेंगे होल ट्वाइस लिखेंगे अगर इसको हीट करेंगे क्या बनेगा बेटा एम जी ओ बन जाएगा एन टू बन जाएगा और प्लस ओ टू बन जाएगा बैलेंस कर लीजिएगा इसे एलआईसीएल एल आई सी एल डॉट टू एच टू यह क्या कर रहा है हाइड्रेशन करता है इसी तरह से मैग्नीशियम भी क्या करता है एम जी सी एल टू डॉट सिक्स एच टू मतलब दोनों के पास क्या होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है दोनों के पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सॉल्युबिलिटी एंड अल्कोहल दोनों सॉल्युबल होते हैं अभी बताया था बेसिक नेचर ए भी कैसा होता है लीथियम भी कैसा होता है एल आई टू ओ भी क्या होता है और एम जी ओ दोनों कैसे होते हैं वीक बेस होते हैं वीक बेस होते हैं वीक बेस होंगे ये सारी इनकी प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। तो बेटा देख लेना अभी मैं बताऊँगा कि दूसरे से अलग क्या शो करता है है ना कौन सी सिमिलर प्रॉपर्टी होती है भाई लीथियम और ये हो गया मैग्नीशियम, दोनों कौन कौन सी प्रॉपर्टी सिमिलर शो करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी वो सारे पॉइंट मैंने लिखा दिए नोट कर लीजिएगा आप लोग बेटा देखो अगर बुक ढूंढोगे तो बुक में आपको ढूंढते 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 यही टॉपिक पढ़ने में कम से कम तीन चार दिन लग जाएगा और मैं अभी घंटे में पूरा का पूरा आपका खत्म करवा दूंगा ठीक है ना देखते रहना उसको ध्यान से चलिए नेक्स्ट वाले में आ जाए अब बेटा देखो ध्यान से समझना इसका एटॉमिक नंबर हमने कितना लिखा था तीन अलेवेन नाइनटीन थर्टी सेवन फिफ्टी फाइव और क्या था एटी सेवन था है ना इलेक्ट्रॉनिक क्वानिफिग्रेशन भी तो लिख सकता हूँ वन एस टू टू एस टू वाला तो तीन का कैसे लिखेंगे वन एस टू टू एस वन वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस वन अच्छा ध्यान से देखना एक और तरीका इसको लिखने का एक और तरीका इसको लिखने का बहुत ध्यान से समझिए, भाई इसको क्या वन एस टू किसका होता है का होता है तो हीलियम टू एस वन हीलियम टू एस वन हो गया अगर इसका लिखना है इसका लिखना है मुझे इसका लिखना है तो क्या लिख सकता हूं नियान मतलब नियान यहां तक हो गया ना दस हो गया अब क्या लिखेंगे थ्री एस वन लिख सकते हो इसका क्या हो जाएगा आर्गन 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 का अठारह होता है उसके बाद में फोर एस वन लिख सकते है ना? इसके बाद के आर और यहां पर फाइव एस वन लिख सकते हो फाइव एस वन यहां पर नॉन और सिक्स एस वन लिख सकते हो यहां पर एड और सेवन एस वन ऐसे इलेक्ट्रॉनिकेशन लिख सकते हो तो बेटा इसका मतलब ये हुआ बहुत ध्यान से समझना ये सब तुमको आता है मैं खाली तुम्हें ब्रीफिंग करवा रहा हूं रिवाइज करवा रहा हूं इसमें हमारी कितनी सेल है वन टू दो सेल है है ना मतलब ऐसे ऐसे इसमें कितनी सेल हो गई तीन सेल हो गई है ना इसमें चार सेल होगे, इसमें पांच सेल होगे, इसमें छह सेल हो इसमें सात सेल हो अब क्या बोलते हो कि सात सेल मतलब ऊपर से नीचे जाने पर क्या है सेल बढ़ती जा रही है। और सेल बढ़ती जा रही है तो साइज भी बढ़ता जाए बहुत ध्यान से समझिएगा अगर अलकली मेटल में ऊपर से नीचे जाए अगर हम अलकली मेटल में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता साइज बढ़ता जाता साइज इसका बढ़ता जाता अगर साइज बढ़ता जाएगा साइज बढ़ता जाएगा तो दो टाइप की रेडियस एटॉमिक और आयनिक रेडियस भाई साइज बढ़ेगा तो रेडियस भी तो बढ़ेगी है ना मान के चलें कि जब ऊपर से नीचे जाओगे अल्कली मेटल में टॉप तो टू बॉटम अगर जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है अब उससे कौन कौन से फैक्टर्स होंगे बहुत ध्यान से समझ लेना ये सब अलग अलग थे मैं यहीं पर सारे एक्सप्लेन कर दे रहा हूं जिससे तुम्हारा थोड़ा फास्ट हो जाए पॉइंट समझते जाना बेटा पहला पॉइंट क्या है एटॉमिक साइज एंड आयनिक साइज एटॉमिक साइज और आयनिक साइज क्या कर रहा है इनक्रीज कर रहा है है ना अगर ये लिखूंगा तो इनक्रीज समझना इसको लिखूंगा तो डिक्रीज समझना इससे थोड़ा हमारा सिलेबस जो है फास्ट हो जाएगा ठीक है ना दिस मीन्स इनक्रीज इसका मतलब क्या हो गया इनक्रीज इनक्रीज और इसका मतलब क्या हो गया डिक्रीज हो गया ये ध्यान दीजिएगा तो एटॉमिक साइज और आयनिक साइज क्या करता इनक्रीज करता हाइड्रेटेड रेडियस एक हाइड्रेशन रेडियस या हाइड्रेटेड रेडियस होती है ये उल्टी होती है बेटा जैसे अगर मैं बोलूं, आयनिक साइज आयनिक साइज मतलब एल आई प्लस एन ए प्लस के प्लस आरबी प्लस सी एस प्लस है ना एफ आर तो नहीं लेते हैं तो सबसे बड़ा साइज क्या होगा ये वाला साइज होगा टॉप टू बॉटम क्या करेगा बढ़ेगा कब जब ए, ए गैसियस स्टेट में होगा इसमें होगा गैसियस स्टेट में होगा गैसियस स्टेट में होगा हो तो साइज का ए ऑर्डर होगा है ना अगर प्लस नहीं लिखोगे तो भी यही होगा बट हाइड्रेशन क्या होता है अगर हाइड्रेशन करते हो उसमें जैसे आपने यहाँ पर वाटर रखा और वाटर में एल आई प्लस डिजॉल्व कर दिया वाटर में एल आई प्लस डिजॉल्व कर दिया अब क्या होगा इसका साइज तो छोटा था धार जाध डेंसिटी ज्यादा थी ज्यादा क्या करेगा वाटर को अपनी तरफ आ, मतलब अट्रैक्ट करेगा जो लिथियम है ये ज्यादा वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इसका जो इफेक्टिव साइज होगा सबसे बड़ा हो जाएगा भाई अगर हाइड्रेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन कौन करेगा लिथियम जिसका साइज छोटा होता है वही तो ज्यादा हाइड्रेशन करता size, है स्मॉल साइज मोर हाइड्रेशन ये पॉइंट समझ लीजिएगा आप लोग जिसका साइज छोटा होगा बेटा उसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा बार बार ये मैं बात आपसे बोलूंगा अब बोल भी रहा हूं तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन कौन करेगा लिथियम फिर सोडियम और सबसे कम कौन करेगा सीचियम तो हाइड्रेशन ज्यादा होगा मतलब वाटर ज्यादा होगा इसका वॉल्यूम क्या होगा बढ़ जाएगा तो सबसे ज्यादा अगर हाइड्रेशन रेडियस हाइड्रेटेड रेडियसन की बात करें वो तो किसकी हो जाएगी एल आई उल्टा हो जाएगा बेटा यहाँ पर एल आई फिर एन ए प्लस की और फिर किसकी के प्लस और फिर आर बी प्लस और फिर कौन सा हो जाएगा सी एस प्लस हो जाएगा कब जब इसमें एक्वस में लो इसको कहाँ पर लेंगे एक्वस में एक्वस में लिखेंगे देन ऑर्डर आपका उल्टा हो जाएगा क्वस में ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल अगला पॉइंट क्या आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ध्यान से समझना अगर बात करें तो तीन पॉइंट क्लियर हो गया टॉप टू बॉटम क्या होता है आयनिक साइज और एटॉमिक साइज क्या करता है इनक्रीज करता है बट हाइड्रेशन रेडियस या हाइड्रेटेड रेडियस इनका साइज उल्टा होता है क्या करता है डिक्रीज करता है ये बेटा दिमाग में बैठा लेना ये नई चीज़ आई अभी ठीक है ना रिसेंट में जैसे लेटेस्ट नहीं होते हैं, जब दुकानदार के पास जाते हो लेटेस्ट कपड़ा दिखाता हो तो ये लेटेस्ट है आपके पास में ठीक है ना अगला आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल के उसको किसमें कन्वर्ट करने में कैट आयन कैट आयन में कन्वर्ट करने में जो एनर्जी लगती है है ना उसे क्या बोलते हैं आयोनाइज किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगी उसे आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे है ना अब देखो लिथियम का साइज छोटा है ए है लिथियम सोडियम थोड़ा बड़ा पोटेशियम और बड़ा रिमीडियम और बड़ा सीजियम सबसे बड़ा हो गया

सबसे कम एनर्जी आपको जब साइज बड़ा होगा तो एनर्जी आपको कम करनी पड़ेगी ना भाई तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन यहां पर दूर है इलेक्ट्रॉन मुझसे साइज मेरा बड़ा हो गया अगर इलेक्ट्रॉन मुझसे दूर है तो क्या बोलेंगे साइज बड़ा हो गया यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा इलेक्ट्रॉन आसान होगा मतलब एनर्जी कम लगेगी आयोनाइेशन एनर्जी, एनर्जी की बढ़ जाएगी अगर मैं लिथियम की बात करूं तो लिथियम तो बहुत पास है है ना यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो मैं इसको मेरी पकड़ के ऊपर मजबूत होगी ना अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना यहां से बहुत मुश्किल होगी बहुत एनर्जी और वही एनर्जी क्या होगी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी किसमें लिथियम में तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा लिथियम का लीथियम का और फिर सोडियम फिर पोटेशियम फिर रुबीडियम फिर सीजीएम और फ्रांसियम तो लग गए है ना मतलब ए वैल्यू क्या कर रही है ए वैल्यू डिक्रीज कर रही है ए वैल्यू क्या कर रही है डिक्रीज कर रही है हाइड्रेशन एन हाइड्रेशन एनथेलपी क्या है मैंने बोला हाइड्रेशन एन क्या होती है एक बार पहले डिलीट कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं ओ, एक बार इसकी ब्रीफिंग कर लेते हैं ये क्या करती है बेटा इनक्रीज करती है ये क्या करती डिक्रीज करती है एंड थेरेपी क्या होती है डिक्रीज करती है ना हाइड्रेशन एंड हाइड्रेशन एंड ये क्या होती है बहुत ध्यान से समझिएगा किसी कैटायन को वाटर में डिजॉल्व कर लो कैटायन कहां पर आपने डिजॉल्व किया वाटर में वाटर में दो पार्ट होते हैं एक कौन सा होता है H प्लस होता है वाटर तो में क्या होता है एक एच प्लस होगा और दूसरा कौन सा होगा ओ एच माइनस तो मतलब एक पॉजिटिव चार्ज होगा एक नेगेटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव वाले को नेगेटिव वाला क्या करेगा चारों ओर से अट्रैक्ट कर लेगा घेर लेगा और अपोजिट चार्ज होने की वजह से इनके बीच में क्या होगी यहां पर एनर्जी रिलीज होगी एक प्लस है एक माइनस है अट्रैक्शन होगा भाई जब पॉजिटिव जाल आपने इसमें ऐड किया तो चारों ओर से इलेक्ट्रॉन ने उसको क्या कर लिया सराउंड कर लिया अगर इलेक्ट्रॉन सराउंड करता है अगर इलेक्ट्रॉन सराउंड करता है तो क्या बोलते हो कि प्लस और माइनस के बीच में क्या होगा अट्रैक्शन है ना अब अट्रैक्शन होगा तो मैंने बताया था भाई केमिस्ट्री दो ही पार्ट है एक अट्रैक्शन और दूसरा क्या रिपल्सन अगर अट्रैक्शन होता तो एनर्जी क्या करती रिलीज करती और रिपल्सन होगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी यहां से एनर्जी क्या होगी रिलीज होगी और जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं क्या बोलते हो हाइड्रेशन हाइड्रेशन एनर्जी बोलेंगे इसे बोलते हैं हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी अगर वाटर है तो क्या बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी और अगर दूसरा सॉल्वेंट है दूसरा सॉल्वेंट है तो क्या बोलोगे इसे सॉल्वेशन एनर्जी बोलते हैं क्या बोलते हो उसे सॉल्वेशन एनर्जी बोलते हो सॉल्वेशन एनर्जी बोलेंगे अगर वाटर की जगह दूसरा सॉल्वेंट है तो हाइड्रेशन एन किसके ऊपर डिपेंड करती है साइज ऑफ कैटन है ना तो सबसे छोटा कैटन कौन सा लिथियम ज्यादा घेरेंगे उसको एच माइनस है ना पर सोडियम और सीजियम का साइज इतना बड़ा है कि चार्ज डेंसिटी डिस्पर्ज हो जाएगी बहुत बड़े साइज में तो उसको कम घेरेंगे है ना भाई ज्यादा जहां पर मीठा होता वहां पर कीटे ज्यादा जाते हैं और आपने पूरा फैला दिया गुड़ तो उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी ना तो हाइड्रेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या हो जाएगा सबसे ज़्यादा किसका होगा लिथियम का और सबसे कम किसका होगा सीजीएम का तो ऑर्डर क्या करेगा बेटा ये डिक्रीज करेगा क्या करेगा डिक्रीज करता हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या करती डिक्रीज करती डेंसिटी डेंसिटी हम सबको पता डेंसिटी क्या होती बहुत ध्यान से समझिएगा डेंसिटी की बात करेंगे डेंसिटी की अगर बात करते हैं तो टॉप टू बॉटम एटॉमिक मास बढ़ता जाता है तो टॉप टू बॉटम डेंसिटी क्या होती है बढ़ती जाती है लेकिन लेकिन एक यहाँ पर खतरा होता है खतरा क्या होता है पोटेशियम की डेंसिटी भाई ऑर्डर क्या होना चाहिए इसका अगर डेंसिटी की बात करें हम लोग अगर यहाँ पर डेंसिटी की बात करें अगर मैं यहां पर डेंसिटी की बात करूं तो ऑर्डर क्या होना चाहिए भाई ऑर्डर होना चाहिए हमारा सबसे कम लिथियम फिर सोडियम पोटेशियम रुबीडियम और सीजियम सबसे ज़्यादा ये होना चाहिए सीजियम की डेंसिटी फिर सोडियम तो मास से बढ़ता जाता है है ना से बढ़ता जाता है लेकिन इसमें ये जो ऑर्डर हो करेक्ट नहीं है करेक्ट ऑर्डर क्या होगा कि जो यहाँ पर एक चेंज आएगा सबसे कम तो लिथियम ठीक है फिर किसकी हो जाएगी के और फिर क्या हो जाएगा एन ए और फिर क्या हो जाएगा Rb और फिर क्या हो जाएगा सी एस कहने का मतलब क्या है सोडियम की डेंसिटी क्या होती है सोडियम की डेंसिटी पोटेशियम से ज्यादा होती है रीजन क्या इसका मास वॉल्यूम मास वॉल्यूम रेशियो उसका ज्यादा होता किसका सोडियम का है ना क्या रीजन है अपॉन वॉल्यूम मास वॉल्यूम रेशियो ज्यादा होता है मास वॉल्यूम रेशियो उसका सोडियम का पोटेशियम से ज्यादा होता है इसलिए पोटेशियम की डेंसिटी जो होती है सोडियम से नहीं सोडियम की डेंसिटी पोटेशियम से ज्यादा होती क्लियर तो ए राइट right ऑर्डर है बेटा ए बना लीजिए सोडियम की डेंसिटी बाकी सब रेगुलर ऑर्डर है बाकी सारा रेगुलर ऑर्डर सोडियम की डेंसिटी क्या पोटेशियम से ज्यादा होती बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है ना बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ध्यान से बेटा देखना ये सारे पॉइंट सीखते जाना आप और मेटेलिक करेक्टर इलेक्ट्रोवैलेंट नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ध्यान से देखिए पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि आयनिक है या फिर कोवेलेंट है आयनिक नेचर है या फिर कोवेलेंट नेचर है वैसे अगर हम मतलब खाली मेटल की बात करेंगे मेटल की बात करेंगे तो टॉप टू वॉटम क्या करता है डिक्रीज करता है जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है क्या करता है डिक्रीज करिएगा अगर इसकी बात करें हम लोग खाली प्वाइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट टॉप टू वॉटम क्या करता है डिक्रीज करता है ये भी ऑर्डर आपका मिल गया मेटेलिक करेक्टर मैटेलिक करेक्टर क्या होता है मैटेलिक करेक्टर होता है बेटा इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर मैटेलिक करेक्टर दोनों सेम होते हैं आसानी से जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग अच्छा मेटल है और जो मुश्किल से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो अच्छा मेटल नहीं है तो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा आप ध्यान से देखें अगर लिथियम की बात करें लीथियम एल ली, आई एन ए के आर बी सी एस है ना तो सी में इलेक्ट्रॉन दूर होता है लिथियम इलेक्ट्रॉन पास होता है तो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा सी क्यों क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बाहर के इलेक्ट्रॉन पर कम है है ना जैसे इसमें क्या सेकेंड में है दो तो ही सेल है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और इसमें सातवाँ में इलेक्ट्रॉन है तो सातवें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा सीजीएम और मुश्किल से इलेक्ट्रॉन कौन निकालेगा लिथियम निकालेगा तो ऑर्डर क्या बन जाएगा मेटेलिक करेक्टर का मेटेलिक करेक्टर टॉप टू बॉटम क्या करेगा क्या करेगा बेटा ये ए इनक्रीज करेगा मेटेलिक करेक्टर टॉप टू बॉटम क्या करता है इनक्रीज करता है नेचर ऑफ बॉन्ड ये सारे अल्कली मेटल क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं सारे अल्कली मेटल क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता है हैलोजन करता है तो अल्कली मेटल हेलोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है दो ही बॉन्ड बन सकते हैं आपका इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड बनता है आयनिक आयनिक बॉन्ड बनता है या फिर अगर अकेला होगा तो कौन सा मेटेलिक बॉन्ड बनेगा कौन सा बॉन्ड बन जाएगा मेटेलिक बॉन्ड बन जाएगा या फिर आयनिक बॉन्ड आयनिक बॉन्ड किसके साथ बनाएगा हेलोजन के साथ बनाता है जनरली और मेटेलिक बॉन्ड अगर सिंगल है जैसे सोडियम है तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा मेटेलिक बॉन्ड बनाएगा पोटेशियम है कौन सा बॉन्ड मेटेलिक बॉन्ड बनाएगा है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम क्या करती है टॉप टू बॉटम क्या करती है डिक्रीज करती है तो ये ऑर्डर बेटा ऑलमोस्ट सब में होता है चाहे आप अल्कली मेटल पढ़ें चाहे अल्कलाइन अर्थ मेटल पढ़ें है ना चाहे आप थर्टीन ग्रुप के एलिमेंट पढ़ें फोर्टीन ग्रुप के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं बट ये ऑर्डर आपका हमेशा हर जगह होता है मैं ऑर्डर बता दूं आपको तीन चीजें टॉप टू बॉटम क्या करती हैं डिक्रीज करती हैं कौन सी आयोनाइजेशन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन गेन एन थे टॉप टू बॉटम क्या करती है डिक्रीज करती है एटॉमिक साइज आयनिक साइज क्या करता है टॉप टू बॉटम हमेशा इनक्रीज करेगा मेटेलिक करेक्टर हमारा क्या करेगा डिक्रीज इनक्रीज करेगा टॉप टू बॉटम ये हर जगह बेटा आपका होगा ठीक है ना तो जरा ध्यान से पॉइंट समझ लीजिएगा चलिए अगले वाले में चलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर बात करें हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो पोटेशियम और सीजियम ये ज्यादा सो करता लिथियम नहीं सो करता क्यों लिथियम का साइज जो, जो होता बहुत छोटा होता है इलेक्ट्रॉन बहुत पास होता है न्यूक्लियस के पास होता है और न्यूक्लियस के पास होता है मतलब ए वाली कंडीशन है और सीजियम ए वाली कंडीशन है कि दूर इलेक्ट्रॉन है तो दूर से इलेक्ट्रॉन तो निकालना आसान है पास से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हो इसलिए लिथियम पोटो इलेक्ट्रिक एफेक्ट नहीं शो करता है पोटेशियम और सीजियम सबसे ज्यादा शो करते हैं इसीलिए इनको जो सोलर पैनल आ रहे हैं जो सोलर पैनल में आपका इस्तेमाल किसका हो रहा है पोटेशियम और सीजियम का इस्तेमाल ज्यादा होता है क्लियर पोटो इलेक्ट्रिक एफेक्ट सो करते नेक्स्ट फ्लेम कलरेशन फ्लेम कलरेशन अगर इनको बंसन बर्नर एक बंसन बर्नर होता है बर्नर इसके ऊपर हीट करें तो बेटा जो अलकली मेटल होते हैं कलर्स हो करते हैं अलग अलग कलर्स होकर तो जो हमें लैब में टेस्टिंग होती है ना कि मतलब सोडियम का परीक्षण करो पोटेशियम का परीक्षण करें लेड का परीक्षण करें तो इसमें बहुत सारे का टेस्ट आप उसको डायरेक्ट बंसन बर्नर पे लेके जाके गरम करो चिमटे से पकड़ लो कलर आप देख करके बता सकते हो कि किस कलर की फ्लेम आ रही है अगर रेड कलर की आती है तो कौन सा हो जाएगा लिथियम हो जाएगा येलो कलर आती है तो सोडियम हो जाएगा और पोटेशियम का कलर कैसा होगा वायलेट होगा रिबीडियम का कलर कैसा होगा रेड होगा और सीजियम का कलर कैसा होगा सीजियम का कलर कैसा होगा ब्लू कलर हो जाएगा है ना तो अलग अलग कलर का ये फ्लेम प्रोड्यूस करती हैं अगर बंसन, वर्नर बंसन बर्नर पर इस मेटल को हम लोग जलाएं बंसन बर्नर पर चिमटे या किसी भी मतलब उसकी सहायता से आप उसको जलाओगे तो अलग अलग कलर का फ्लेम प्रोड्यूस करती हैं तो लिथियम क्रिम्सन रेड सोडियम येलो पोटेशियम वायलेट प्रिमीडियम रेड और सीजियम का कलर कैसा होता है ब्लू कलर होता है ये तो बेटा सीक्वेंस तुमको याद है इसको याद करने का तरीका साइवर साई साइबर होता ना साइबर साइबर कैफे होता तो साइवर कर लेना साइवर भी, साइवर भी, साइवर भी, तो साइवर साइवर, साइबर बी साइबर बी साइवर बी तो सी वाई वी आर साइवर बी साइबर मतलब साइबर की जगह साइवर है ना साइबर बी साइबर बी ठीक है तो सी, ये सारे कलर आपको याद आ जाएंगे कौन कौन सा इसमें कुछ प्रोसेस क्या होती है मैं बता दूं आपको फ्लेम कलेशन क्यों शो करता है इसका भी एक रीजन होता है सपोज किया कि ए एटम है आपका ये न्यूक्लियस हो गया इलेक्ट्रॉन आपका यहां पर है है ना तो जब आपने इसको हीट किया तो एनर्जी मिली तो ये लोअर सेल से कहां पर चला जाता, हायर सेल की तरफ जंप कर जाता ठीक है ना वापस बोल रहा हूं इलेक्ट्रॉन कहां पर था ग्राउंड स्टेट में था ये कहां पर था ग्राउंड स्टेट में था जब जलाया आपने इसको बंसन बर्नर पर हीट किया तो एनर्जी मिली ये लोअर सेल से कहां पर गया हायर सेल में गया ये कहां पर चला गया हायर सेल में चला गया ठीक है ना लोअर से हायर सेल में चला गया ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया अब इलेक्ट्रॉन बहुत टाइम तक यहां पर नहीं रखता हायर एनर्जी स्टेट में बहुत टाइम तक नहीं रहता जब वापस आता है वापस कम बैक करता है कहां पर ग्राउंड स्टेट में या फिर लोअर सेल में आता है तो एनर्जी एमिट करता है क्या एमिट करता है एनर्जी एमिट करता है। जो रेडिएशन इसने किया था उसको क्या करता निकालने लग जाता है और किसके फॉर्म में निकालता कलर के फॉर्म में निकालता है। इसलिए बहुत सारे कलर आपको दिखाई पड़ते हैं वापस बोल रहा हूं कि जब ग्राउंड जब ग्राउंड स्टेट में या फिर मतलब नॉर्मल स्टेट में मेटल होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं न्यूक्लियस के पास अपने ग्राउंड स्टेट में होते हैं एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तब तो कुछ नहीं होता लेकिन वहां पर बहुत टाइम तक रह नहीं सकते भाई एक्साइट होकर के कितनी घर में झगड़ा करोगे तो कितने देर बाहर रह पाओगे वापस आना पड़ेगा ना जब वापस आते हैं तो बहुत सारे गिफ्ट फेंकते हैं गिफ्ट कैसे एनर्जी के फॉर्म में और वही एनर्जी आपकी किस में आती कलर के फॉर्म में आती है तो ये क्या शो करते हैं बेटा फ्लेम कलरेशन शो करते हैं कौन कौन सा मेटल कौन सा कलर शो करेगा वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया चलिए आगे चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज अब ये मेन पार्ट है केमिकल रिएक्शन के भी क्वेश्चन बनते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में पहला है कि रिएक्शन विथ ऑक्सीजन ये तो सब आप लोग जानते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं हवा पानी अलकली और अलकली और एसिड यही इन्हीं के साथ रिएक्शन करते हैं है ना? तो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं पहली रिएक्शन हमारी किसके साथ है ऑक्सीजन के साथ बेटा देखो अल्कली मेटल जो होते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं अल्कली मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं इनका साइज भी सबसे बड़ा होता है भाई तो साइज की बात करें लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाते हो तो क्या करता है डिक्रीज करता है तो सबसे छोटा साइज किसका होता है हेलोजन का इनर्ट गैस का बड़ा होता है क्योंकि फुलफिल्ड होता है हो। तो सेकेंड नंबर पर किसका होता है अल्कली मेटल का साइज सबसे बड़ा होता है ना और इलेक्ट्रॉन इसके आसानी से लूज कर देता क्योंकि वैलेंसी सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है अलकली मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता क्यों आयोनाइजेशन एंथेल्पी कम होती है आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और आसानी से जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं इसलिए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं अगर बात करें ऑक्सीजन की तो लिथियम क्या करता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है एल मतलब लिथियम ऑक्साइड बना लेता है ऑक्साइड बना लेगा बट अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ये क्या बना लेता है एन ए टू ओ टू ऑक्साइड भी बनाता है सोडियम पर ऑक्साइड भी बनाता है सोडियम क्या बनाता है बेटा सोडियम पर ऑक्साइड भी बना लेता है पर ऑक्साइड बना लेता है पोटेशियम तो और आगे निकल जाता है क्या बना लेता है सुपर ऑक्साइड बना लेता है क्या बना लेता है सुपर ऑक्साइड बना लेता है बहुत ध्यान से समझना लिथियम ऑक्साइड बनाएगा सोडियम पर ऑक्साइड बनाएगा और पोटेशियम क्या बनाता बना बना है सुपर ऑक्साइड बनाता है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बना लेगा क्यों बना लेता है क्यों बना लेता, लेता भाई ऑक्सीजन सबसे ज्यादा कौन ले रहा है पोटेशियम ले रहा है फिर सोडियम और फिर Lithium. Lithium के पास एक ऑक्सीजन उसके पास दो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बढ़ता जा रहा है इसका रीजन क्या बेटा एटॉमिक साइज इसका रीजन एटॉमिक साइज क्या रीजन इसका एटॉमिक साइज इसका रीजन है अगर टॉप टू बॉटम जाते हो तो साइज बढ़ता है कल मेटल का साइज बढ़ जाएगा सबसे बड़ा साइज किसका होगा पोटेशियम का फिर सोडियम का और फिर लिथियम बड़ा साइज होगा तो ज्यादा ऑक्सीजन ले लेगा बड़ा साइज होगा तो ऑक्सीजन ज्यादा ऑक्यूपाई कर लेगा है ना क्या बना लेगा सुपर ऑक्साइड बना लेगा उससे छोटा परॉक्साइड बनाया इसने क्या बनाया खाली ऑक्साइड बनाया तो आई थिंक समझ आ गया होगा लिथियम क्या बनाता है ऑक्साइड बनाता है सोडियम क्या बनाता है परऑक्साइड बनाता है और पोटेशियम सुपर ऑक्साइड तक जा सकता है सुपर ऑक्साइड तक बना लेता है इसका मतलब ये नहीं कि ऑक्साइड नहीं बनाएंगे ऑक्साइड भी बनाएंगे सुपर ऑक्साइड भी बना सकते हैं परऑक्साइड भी बना सकते हैं क्लियर समझ आ गया होगा बेटा इसमें तो देखो एक तो प्रॉपर्टी अलग सबसे शो कर रहा कि नहीं खाली ऑक्साइड बना पा रहे हैं अब ये मतलब ऐसा चाह नहीं रहा है इसकी मजबूरी बेटा इसकी औकात ये है लिथियम की छोटा साइज है छोटा साइज है तो उसका ज़्यादा ऑक्सीजन रख ही नहीं पाएगा है ना कैपेसिटी इसकी कम है तो ध्यान से समझते रहे आप इसे चलिए बहुत बढ़िया वेरी गुड चलिए बेटा अब आगे वाले में चलते हैं सोलिबिलिटी एंड बेसिसिटी बेसिसिटी एंड सोलिबिलिटी अब बेसिसिटी क्या होता है बेसिसिटी क्या होता है सॉलिबिलिटी क्या होती है सॉलिबिलिटी मतलब किसमें देखनी वाटर में सॉलिबिलिटी एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटा बड़ा साइज अगर कैटायन बड़ा है ठीक है ना तो आयनिक करेक्टर होता है मैं आपको थोड़ा फजान्स रूल सिखा दे रहा हूं जिससे सारे क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाए कब होगा जब कैटायन क्या होगा कैटायन स्मॉल होगा स्मॉल कैटायन चार्ज डेंसिटी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी मोर होगी और तीसरा तीसरा लार्ज साइज एनाइन लार्ज साइज एनाइन कैटाइन स्मॉल हो कैटन की चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो और एनाइन का साइज बड़ा हो तो कौन सा करेक्टर होता है बेटा ये को बैलेंस करेक्टर होगा अगर इसका उल्टा होगा तो आयनिक करेक्टर होगा आयनिक वाले वाटर सॉल्युबल होते हैं और कोवेलेंट किसमें सॉल्युबल होते हैं अल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं ठीक है ना आयनिक वाले किसमें सॉल्युबल होते हैं अगर आयनिक की बात करें तो सोलूबल किसमें होते हैं वाटर सॉल्युबल होंगे है ना आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल वाटर और कोवेलेंट किसमें सॉल्युबल होंगे कोवेलेंट कंपाउंड कंपाउंड आर सोलूबल सोलूबल कहां पर सोलूबल होंगे अल्कोहल में सी टू एच फाइव ओ एच है ना ये बात ध्यान रखिएगा अल्कोहल में ज्यादा होता है सोल यहां पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं वाटर में सोलुबिलिटी की बात कर रहे हैं तो वाटर में सबसे ज्यादा देखो कैटाइन सबसे बड़ा क्या उसमें खाली एक ही आपका पॉइंट देखना है साइज अब कैटन स्मॉल हुआ तो कोलनट हुआ और साइज अगर कैटाइन का बड़ा हुआ तो कौन सा हो गया आयनिक सबसे ज्यादा आयनिक कौन सा हो गया सी बहुत ध्यान से सीखिए अगर कैटाइन छोटा है तो कोवेलेंट कैटन बड़ा है तो कौन सा हो जाएगा आयनिक सबसे ज्यादा आयनिक करेक्टर किस में होगा इस वाले में फिर में फिर में फिर में तो वाटर में सॉलिबिलिटी क्या होगी वाटर में सॉलिबिलिटी क्या होगी वाटर में सॉलिबिलिटी देखें तो सबसे ज्यादा किसकी होगी सी एस टू ओ की होगी फिर आर बी टू ओ की होगी और फिर के टू ओ और फिर फिर एन ए टू ओ एन ए टू ओ और फिर किसकी होगी एल आई टू ओ की होगी हो वाटर में सॉल्युबिलिटी है सॉल्युबिलिटी इन वाटर ऑर्डर किसका बेटा है सॉल्युबिलिटी इन वाटर सॉल्युबिलिटी इन वाटर अगर स्टेबिलिटी सॉरी बेसिसिटी देखें बेसिसिटी बेसी सीटी। बेसी सीटी भी बेटा टॉप टू बॉटम क्या करती है बढ़ती जाती है मेटेलिक बढ़ेगा तो बोलोगे बढ़ जाएगी और मैंने बताया था अभी आपको पीछे कि टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगा मेटेलिक मैटेलिकेक्टर बढ़ता जाता है मेटेलिक करेक्टर क्या होगा इसका बढ़ता जाएगा ध्यान से समझ लीजिएगा इसे मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा तो बेसी सीटी भी क्या होगी बढ़ जाएगी क्लियर अगले में आ जाए अगले में आ जाए अगर अगर अलकली मेटल अलकली मेटल को एम से लिखा मैंने अलकली मेटल को हमने किससे लिखा एम से लिखा वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और एच टू गैस निकले एच टू गैस निकले अगर तो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस एच टू जैसे लिथियम क्या बनाएगा एल आई ओ एच बनाएगा एन ए एन ओ एच के के ओ एच बनाएगा और उसके साथ में H2 गैस निकलेगा है ना क्या बनाना बेसिसिटी 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 सबसे अच्छा यहां पर बेसिसिटी जब H और OH लग जाए तो बेसिसिटी फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि जो आसानी से OH दे दे तो सबसे आसानी से OH कौन देगा जिसका साइज बड़ा होगा OH दूर है ना OH पास है OH और पास है OH और पास है दूर वाला आसानी से दे देगा तो सबसे दूर OH किस में यही है जो आसानी से OH देता वो ज्यादा बेसिक होता है या फिर मैटेलिकेक्टर के टर्म में भी देख सकते हो टॉप टू बॉटम मैटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है तो बेसिसिटी सीटी बढ़ जाएगी तो सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी होगी अगर बेसिसिटी की बात करें तो बेसिसिटी क्या होगी सबसे ज्यादा सी एस ओ एच की फिर आरबीओ की फिर के ओ एच और फिर एनएच और फिर एल आई ओ एच ये क्या बेसी सीटी का ऑर्डर बन जाए एक किसका ऑर्डर हो जाएगा बेटा बेसी सी टी का बेसी टी का ऑर्डर हो जाएगा और यही वो ऑर्डर क्या हो जाएगा सॉलिबिलिटी सॉलिबिलिटी इन सॉलिबिलिटी इन क्या वाटर सॉलिबिलिटी इन वाटर का भी यही ऑर्डर होगा टॉप टू बॉटम क्या करेगी इनक्रीज करती है टॉप टू बॉटम क्या करती है इनक्रीज मतलब सबसे ज्यादा सॉल्यूबल कौन होगा सी एस ओ एच हो जाएगा सबसे कम सोलबल कौन सा हो जाएगा एल आई ओ एच सेम ऑर्डर हो जाएगा अच्छा ये बना दिया तो मतलब समझ समझने बढ़ ही रहा है टॉप टू बॉटम क्या करेगा टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहा है अगर डिक्रीज करता है तो साइनस का नीचे बना देता मैं है, है ना चलिए कुछ रिएक्शंस जरा ध्यान से देखें ये रिएक्शंस आपके पेपर में आ सकती कैसे आएगी कैसे उसको कंप्लीट करना है जरा ध्यान से बेटा समझना इसको ये रिएक्शन कैसे कंप्लीट करनी है तो ये तो सिंपल है एन और वाटर एन के साथ इतनी फास्ट रिएक्शन करता कि पानी में अगर तुमने सोडियम फेंक दिया या पोटेशियम फेंक दिया तो आग लगा देता है यार है ना बहुत फास्ट क्विक रिएक्शन होती है इतनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होती है एच गैस निकल जाएगी बैलेंस कर लेना तुम लोग ठीक है ना और करना क्या इसमें टू एन लिख लो टू एच टू लिख लो बैलेंस हो गया है ना तो एन ए टू ओ और एच टू ओ की रिएक्शन लिखते हो अगर एन ए टू ओ तो क्या बन जाएगा इसमें टू एन एच बन जाएगा है ना एनए टू एच टू ओ ये देखो परऑक्साइड है इसमें क्या डबल डिस्प्लेसमेंट लगता है बेटा इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब ए वाला कैटायन इसके साथ ए वाला कैटायन इसके साथ है ना तो क्या बनेगा एच टू ओ टू एच टू ओ टू और प्लस क्या बन जाएगा एने टू एन ए टू ओ टू बन जाएगा एने टू ओ सॉरी एनए टू ओ बन जाएगा सोडियम ऑक्साइड है ना Na2 टू अगर सोडियम सोडियम नहीं होता सोडियम नहीं होता बेटा पोटेशियम लेना पड़ेगा। यहां पर पोटेशियम सुपर ऑक्साइड की रिएक्शन लिखे तो क्या बनेगा एक तो यहां पर के ओ एच बन जाएगा प्लस एच टू ओ टू बन जाएगा प्लस ओ टू बन जाएगा ये रिएक्शन आप लोग देख लेना इस टाइप से रिएक्शन होती है रिएक्शन आप लोग चेक कर लीजिएगा इस टाइप से रिएक्शन होते हैं ठीक है ना तो ये प्रोडक्ट इसमें बनेंगे चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं रिएक्शन विथ एन टू अगर अल्कली मेटल की रिएक्शन हम लोग एन टू के साथ करें अल्कली मेटल की रिएक्शन एन टू के साथ करें तो कोई रिएक्ट नहीं करता खाली एक कंपाउंड रिएक्ट एक एलिमेंट रिएक्ट करता हो कौन सा होता लिथियम अगर लिथियम के रिएक्शन एन टू के साथ करते हो तो क्या बनेगा एल आई थ्री एन बनेगा अगर एल आई थ्री एन की रिएक्शन वाटर के साथ करते हो वाटर के साथ तो देखो बेटा वाटर किसमें टूटेगा एच प्लस ओ एच माइनस एच प्लस ओ एच माइनस एच प्लस और ओ एच माइनस तो एल आई के साथ क्या लग जाएगा ओ OH एच लग जाएगा और तीन एल आई ओ एच बन जाएगा एन के साथ तीन एच प्लस लग जाएगा तो क्या बन जाएगा एन एस थ्री अगर हाइड्रोलिसिस करते हो उसकी तो तो लिथियम रिएक्ट करता नाइट्रोजन के साथ क्या बनाएगा, लीथियम बनाएगा. इस कंपाउंड का नाम भी लिख लीजिएगा इसका नाम क्या है? नाइट्राइड बनाएगा इसके हाइड्रोलिसिस करने पर आपको पता है एन के साथ एन नेगेटिव पार्ट है ना तो नेगेटिव पार्ट के साथ एच प्लस जाएगा पॉजिटिव पार्ट के साथ जाएगा तो तीन एल आई है तो तीन ओ एच साथ चले गए और तीन एच इसके के साथ चले गए नाइट्रोजन की बैलेंसी तीन होती है इसलिए तीन एच प्लस एक्सेप्ट करेगा ठीक है ना क्या बना लेगा एन एस थ्री प्लस एल आई ओ एच बना लेक्स्ट रिएक्शन विथ एच टू अगर अल्कली मेटल अल्कली मेटल एम से लिखा एम की जगह पता आपको एल आई एन ए के आर बी सी एस एफ आर लिख सकते हो तो आयनिक हाइड्राइड बनाता है कैसा होता है बेटा प्लस होता है इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है माइनस का चार्ज क्या बनाता है आयनिक हाइड्राइड आयनिक हाइड्राइड जनरली क्या बनाता? बनाता है आयनिक हाइड्राइड बनाता है आयनिक हाइड्राइड जो है बहुत ध्यान से समझिएगा अगर आयनिक हाइड्राइड की इलेक्ट्रोलिसिस करते हो मोल्टेन आयनिक हाइड्राइड की इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो प्लस कहां पर जाएगा एम प्लस कहां पर जाएगा कैथोड पर जाएगा मतलब कैथोड पर कौन जाएगा मेटल जाएगा और एच माइनस कहां पर जाएगा हाइड्राइड आयन कहां पर जाएगा ये e जाएगा बेटा एनोड पर जाएगा वैसे एच कहां पर जाता कैथोड पर लेकिन यहां पर एच माइनस एच प्लस कहां पर जाता कैथोड पर बट यहां पर क्या एच माइनस है एच माइनस कहां पर जाएगा एनोड पर जाएगा और कौन सी गैस बनाएगा एच गैस बनाएगा एनोड पर कौन सी गैस निकलेगी एच टू गैस अच्छा यहाँ पर जो होती है लिथियम हाइड्राइड की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम क्या करती है डिक्रीज कर दी जाती है तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा एल आई ओ एच सॉरी एल आई एच फिर एन ए एच और फिर के एच और फिर आर बी एच और फिर सी एस एच सी एस एच ये इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा बना ले इसे बना लीजिएगा चलिए नेक्स्ट पार्ट सीख लेते हैं तो क्या होता है एम क्या हो गया मेटल हो गया कौन सा मेटल अलकली मेटल हो गया अलकली मेटल हो गया अगर अलकली मेटल की रिएक्शन अमोनिया के साथ करते हैं तो एक ट्रिक होती है एक्स प्लस वाई यहाँ पर स्टोकियोमेट्रिक है एम प्लस एनएच थ्री एम प्लस एन एच थ्री इसके साथ में क्या लगता है होल एक्स लगता है यहां पर सिंगल प्लस आता है कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में बनता है और जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है वो भी अमोनिया के नंबर को वाई नंबर को क्या करता है कि उपाय करके दूसरा कॉम्प्लेक्स बनाता है इसको क्या बोलते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन अमोनिएटेड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अमोनिया के अंदर होता है इस अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका नेचर कैसा होता है पैरा मैग्नेटिक और यही अनपेड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तो कंडक्टिंग नेचर हो जाता है उसका कलर कलर कैसा हो जाता? ब्लू कलर का हो जाता जाता है है ब्लू का लॉन्ग टाइम के लिए रखते हो तो एम प्लस क्या करता है एन एस थ्री के साथ कर रिएक्शन करके सोडामाइड बना लेता है ये क्या बना लेगा सॉरी मेटल अमाइड बना लेता है यहां पर एम लिखा तो सोडियम नहीं लिख सकते हैं तो मेटल अमाइड बना लेता है लेकिन 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 अगर अगर हम लोग इसका ड्राई एन एस थ्री के साथ रिएक्ट करें ड्राई एन एस थ्री के साथ रिएक्ट करें तो दो अलग अलग मतलब लीथियम अलग रिएक्ट करता बाकी मेटल बाकी मेटल में लिथियम के अलावा कौन सा हो गया एन ए हो गया के हो गया आर बी सी एस एफ आर की बात मत करना रेडियो एक्टिव है अगर एल आई रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है बेटा एल आई टू और ए रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं एम एन एच टू यहाँ पर भी एच टू गैस रिलीज होगी यहाँ पर भी एच टू गैस रिलीज होगी बट इसमें इसमें डिफरेंस क्या है ये क्या अमाइड है इसको क्या बोलते हैं अमाइड और इसे क्या बोलते हैं ईमाइड बोलते हो ईमाइड बोलते हो लिथियम ईमाइड बोलते हो ठीक है ना ए मतलब अलग लिथियम अलग से रिएक्ट करता है ड्राई अगर आपकी एन एस थ्री है तो ड्राई एन एस थ्री है तो इस टाइप की रिएक्शन होती है ठीक है ना अगर एक्वस फॉर्म में है अगर वाटर में है ये वाली रिएक्शन होगी है ना ये क्या अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन इसकी वजह से कलर कैसा हो गया ब्लू कलर हो गया जो आपका सोल्यूशन कैसा हो गया कंडक्टिंग हो गया है ना और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका नेचर कैसा होगा पैरा मैग्नेटिक हो गया ठीक है तो अलग टाइप की रिएक्शन अमोनिया की रिएक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखिएगा पूछा भी बहुत जाता है नेक्स्ट वाले में चलते हैं सल्फेट ऑफ अल्कली मेटल सल्फेट ऑफ हल्कली मेटल मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करोगे तो सल्फेट बन जाते हैं अगर सल्फेट की बात करें तो सल्फेट गिवन है ठीक है ना अगर बेटा सल्फेट की बात करोगे तो सल्फेट गिवन है क्या क्या बनाना इसमें ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी इसके क्वेश्चन बनते हैं थर्मल स्टेबिलिटी अच्छा सॉलिबिलिटी की बात करें तो सोलिबिलिटी क्या करती टॉप टू बॉटम इनक्रीज करेगी Top to bottom क्या करेंगी? Increase करेंगी. क्या करेगी? करेगी। बोलेंगे? सबसे सबसे ज्यादा कौन कौन सा सा होगा? होगा? होगा। है है? है ना? ना? और कम का भी बॉटम to जाने पर क्या करेगी डिक्रीज करेगी टॉप टू बॉटम जाने पर क्या करेगी डिक्रीज करती टॉप टू बॉटम क्या करेगी डिक्रीज करेगी अच्छा खाली सल्फेट नहीं खाली सल्फेट नहीं यही ऑर्डर आपका कार्बोनेट में नाइट्रेट में और फॉस्फेट में भी काम करेगा इसमें काम करेगा कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट नाइट्रेट है ना वहाँ पर भी सेम ऑर्डर काम करेगा क्या होगा टॉप टू बॉटम सॉलिबिलिटी इंक्रीज करती जाएगी स्टेबिलिटी इंक्रीज करती जाएगी लिथियम थोड़ा अलग बिहेवियर करता है, है ना लिथियम अगर इसको हीट करें तो एल आई टू एस ओ फोर क्या करता है हो जाता किसमें एल आई टू ओ में और प्लस एस ओ थ्री गैस निकल जाती बाकी के ऊपर हीट का कोई फर्क नहीं पड़ता खाली लिथियम सल्फेट जो सबसे अनस्टेबल होता है वो क्या करते है? हीट कर हैं हीट करने पर हीट से क्या होता है ब्रेक हो जाता है लिथियम ऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड में बाकी के ऊपर फर्क नहीं पड़ता सॉलिबिलिटी सॉलिबिलिटी क्या करेगी इनक्रीज करेगी थर्मल स्टेबिलिटी क्या करेगी इनक्रीज करेगी सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन होगा एल आई एन ओ थ्री किस में टूटेगा एल आई टू ओ प्लस एन ओ टू एन ओ टू और प्लस क्या बनेगा ओ टू बन जाएगा यहाँ पर क्या बनेगा अगर मेटल नाइट्रेट है तो क्या बनेगा बेटा एम एन ओ टू प्लस ओ टू बनता है अच्छा इसका कलर कैसा होता है ये भी पैरामैग्नेटिक होती है है ना और ए बी गैस कैसी होती पैरामैग्नेटिक होती तो दो दो पैरा मैग्नेटिक गैस निकलते हैं ये कलरलेस होती है और ये ब्राउन कलर की गैस होती है ये कौन से कलर की होती ब्राउन कलर की गैस होती ठीक है ना ये रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट है ध्यान से देख लीजिएगा जो भी रिएक्शन अलग होती है वही पूछने के चांसेज बढ़ जाते हैं इसलिए उस पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा ठीक है ना तो ध्यान से करते जाए आप इसे नेक्स्ट नेक्स्ट कार्बोनेट वही देखिए मैंने बोला था सल्फेट की बात कर लो नाइट्रेट की बात कर लो कार्बोनेट की बात कर लो स्टेबिलिटी और सॉलिबिलिटी का सीक्वेंस सेम हो जाएगा टॉप टू बॉटम जाओगे क्या करेगा इंक्रीज करेगा थर्मल स्टेबिलिटी क्या करेगी इंक्रीज करेगी ये थोड़ी अलग रिएक्शन देता है क्या बनाएगा इसमें एल आई टू ओ और प्लस सी ओ टू इसके ऊपर कोई फर्क बाकी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्लियर देखते जाए आप इसे नेक्स्ट देखें बाई कार्बोनेट बाई कार्बोनेट क्या होता है बाई कार्बोनेट एच सी ओ थ्री होता है ना बाई कार्बोनेट एच सीओ थ्री ये खाली लिक्विड स्टेट में होता है ये किस में होता है खाली लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है बाकी सारे किस में होते हैं सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं एल आई एच सी ओ थ्री खाली लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है क्लियर तो ध्यान से आप उसको बनाते जाइएगा जो भी नोट्स हैं पूरा मैंने समझ लिए एस ब्लॉक का आपका जो अल्कली मेटल है उसको ब्रीफ करके पूरा एक क्लास में मैंने कवर करने की कोशिश की है तो ध्यान से समझते जाना बेटा ऐसे अगली अगला पॉइंट देखते हैं अल्कली है मेटल हैलाइड ऑफ अल्कली मेटल हैलाइड मेटल एम एक्स एम एक्स एक्स की जगह क्या लिख सकते हो एफ सीएल बी आर और आई पॉइलिंग प्वाइंट और मेल्टिंग प्वाइंट की बात करें तो सबसे ज्यादा किसका होगा फ्लोराइड का होगा फिर क्लोराइड का फिर क्या? इसका देख लें जैसे एनएफ एनए सीएल एनए बी आर और एनएआई है बहुत ध्यान से देखना तो सब में सेम है अगर लगाएं तो एनायन का साइज सबसे बड़ा किसका आई का का बी आर का पर एफ का। मतलब सबसे छोटा है। एनायन का साइज बड़ा होता तो कौन सा करेक्टर होता बेटा को वैलेंट अगर मैं को वैलेंट का ऑर्डर बनाऊं तो क्या बनेगा ए वाला ऑर्डर बनेगा अगर मैं आई का ऑर्डर बनाऊ तो कौन सा बनेगा एन ए एफ सबसे ज्यादा आयनिक फिर एन और फिर एल और फिर एन किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है आयनिक का ज्यादा होता है तो अगर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बनाना हो तो किसका ऑर्डर हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का यही ऑर्डर हो जाएगा है ना सबसे ज्यादा किसका होगा एन का फिर एन का एन ए बी आर एन है ना अब एक बात और समझ लीजिएगा आप लोग जो आयनिक होते हैं वो किस में सॉल्युबल होते हैं वाटर होते हैं और जो कोवेलेंट होते हैं वो सी टू एच फाइव ओ एच मतलब अल्कोहल सॉल्युबल होते हैं ये भी बात ध्यान रखना तो अगर ऑर्डर तुम्हें बनाना हो तो ऑर्डर बना सकते हो जैसे एल आई सी एल एच टू ओ एल आई एल आई मतलब सबसे छोटा कैटायन कौन सा एल आई है तो कौन सा करेक्टर होगा इसमें कोवेलेंट करेक्टर होगा तो सबसे ज़्यादा वाटर सॉल्युबल कौन सा होगा तो सॉरी वाटर सॉल्युबल नहीं अल्कोहल सॉल्युबल है ये किस में सॉल्युबल होगा C2H5OH में सॉल्युबल होगा क्यों सॉल्युबल होगा क्यों सॉल्युबल होगा क्यों क्योंकि जब छोटा कैटायन होगा देखिए अगर कोवेलेंट देखना तो फजान्स के तीन रूल ध्यान मतलब चार रूल हैं जिसमें से तीन तो मेन है कैटायन मतलब प्लस वाला छोटा होना चाहिए एनायन बड़ा होना चाहिए चार्ज डेंसिटी कैटायन की ज्यादा होनी चाहिए और नोबल हो तो कौन सा करेक्टर होगा कोवेलेंट होगा इसका उल्टा क्या हो जाएगा आयनिक हो जाएगा वापस बोल रहा ध्यान से सुने। अगर कोवेलेंट देखना है तो हमें क्या देखना कैटायन का साइज छोटा एनायन का साइज बड़ा कैटायन का साइज छोटा एनायन का साइज बड़ा और चार्ज डेंसिटी कैटायन की ज्यादा हो है ना तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कोवेलेंट करेक्टर है। तो कैटायन छोटा सबसे यही तो है एल आई सबसे छोटा तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट इसी में होगा किस में सॉल्युबल होगा वाटर में बाकी सारे बाकी सारे किस में होंगे आयनिक में वाटर में मतलब आयनिक वाले होंगे तो वाटर सॉल्युबल होंगे कोवेलेंट होंगे तो किस में सॉल्युबल होंगे सी टू एच फाइव ओ एच में सॉल्युबल ठीक है बेटा तो ध्यान से देखते रहिए और पूरा पूरा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करते हैं ठीक है अब अब अगर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछू एनए सी एन ए सी अगले पेज में ले लेते हैं सी एल एम जी सी एल टू ए एल सी एल थ्री सी एल फोर इन क्वेश्चन कर लेते हैं साथ में एल आई सी एल एन ए सी एल ए सी एल आर कौन सा तीसरा कौन सा एन ए एफ एन ए सी एल एन ए बी आर एन ए आई सब में हमें ये बताना कि कौन सा आयनिक है कौन सा आयनिक है और कौन सा कोवेलेंट है तो हम अगर आयनिक ऑर्डर बनाएंगे तो कोवेलेंट वाला उसका उल्टा बात ध्यान से समझ लीजिए तो आयनिक के लिए हम कोवेलेंट का पहले बात कर लेते हैं कैटाइन का साइज छोटा होना चाहिए एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए यही तीन पॉइंट डिस्कस करेंगे स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन और मोर चार्ज डेंसिटी तो बेटा देखो यहां पर चार्ज डेंसिटी कितनी चार है यहां पर कितनी है तीन है यहां दो है यहां पर क्या है एक हो जाएगा अगर मुझे कोवेलेंट ऑर्डर बनाना सबका मैं कोवेलेंट बनाऊंगा कोवेलेंट सबसे ज्यादा कौन सा होगा यही हो जाएगा यहां पर देखना है यहां पर साइज देखें सीएल तो सब में सेम है और चार्ज डेंसिटी भी सब में लगभग सब में सेम है एल आई के पास भी प्लस एक है सबके पास चार्ज सेम है एन के पास प्लस एक K के पास प्लस एक सबके पास एक है तो हम यहाँ पर कोवेलेंट अगर देखना यहाँ पर भी कौन सा करेक्टर देखेंगे कोवेलेंट करेक्टर देखेंगे तो यहाँ पर क्या देखेंगे साइज ऑफ कैटा सबसे छोटा कौन सा है एल आई सी एन यहाँ पर देखें यहाँ पर सब में देखें एन ए तो सब में कॉमन है डिफरेंस किसका एफ सी एल बी आर आई सबसे बड़ा एन कौन सा एन आइन मतलब नेगेटिव आए अगर एनआईन बड़ा होगा तो कोलेंट कैरेक्टर कौन सा बना होगा कोवेलेंट कैरेक्टर कौन सा बना होगा यही बनाओगे ना यार अगर कैटन का साइज छोटा हो एन का साइज बड़ा हो चार्ज डेंसिटी कैटन की ज्यादा हो तो कौन सा कैरेक्टर होगा कोवलेंट तीनों हो एग्जाम्पल मैंने बता दी अब अगर कोवैलेंट ज्यादा होगा तो किसमें सॉल्युबिलिटी होगी अल्कोहल में वाटर सॉल्युबल होगा तो आयनिक में मतलब आयनिक होगा तो वाटर में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी तो ए अगर मतलब कोवेलेंट का ऑर्डर होगा हो तो ये होगा आयनिक बनाओगे तो एनए सबसे ज्यादा हो जाएगा मतलब जो कोवेलेंट कम होता है वो आयनिक ज्यादा होता है ये खाली दिमाग में रख लें और कोवेलेंट और आयनिक किससे देखेंगे सिंपल सा हमारे पास फजानस रूल है स्मॉल साइज कैटायन का लार्ज साइज एनायन आन का और चार्ज डेंसिटी किसकी की ऐसा देखना है। ठीक है बेटा तो करते रहे अच्छा एक और कॉन्सेप्ट होता है जरा ध्यान से समझ लेना एक होता हाइड्रेशन एंथैल्पी। वैसे कंपेयर नहीं कर पाओगे थोड़ा मुश्किल होता है अगर सॉल्युबिलिटी देखनी तो एक और कॉन्सेप्ट होता है इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता हाइड्रेशन एन हाइड्रेशन एन और लेटाइस एनथेलपी एनथेलपी ज्यादा होती है तो सॉलिबिलिटी ज्यादा होती है सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी लेटाइस एनथेलपी ज्यादा होगी लेटाइस एनथेलपी ज्यादा है तो क्या बोलोगे नॉट सॉल्युबल नॉट सॉल्युबल है ना अगर दोनों बराबर हैं हाइड्रेशन एन और लेटाइस एंथैल्पी दोनों बराबर हैं क्या बोलोगे इक्विलिब्रियम होगा इक्विलिब्रियम होगा मतलब थोड़ा सा सोलबल होगा थोड़ा सा सोलबल नहीं होगा ठीक है ना मतलब पार्सली सोलुबल होगा ऐसा बोल सकते हैं तो इसका भी एक कॉन्सेप्ट है कुछ कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं अगर हम लोग एस ब्लॉक की बात करते हैं तो कुछ कंपाउंड्स की स्टडी कर लेते हैं पहला कौन सा बेटा इसका नाम है वाशिंग सोडा क्या बोलते हो उसे वाशिंग सोडा और इसको किस मेथड से बनाते हैं सॉल्वे अमोनिया सोडा मेथड सॉल्वे अमोनिया सोडा मेथड सॉल्वे अमोनिया सोडा मेथड से बनाते किससे बनाते हो बेटा सॉल्वे अमोनिया सोडा मेथड से बनाते उसमें चार पार्ट होते हैं एक तो सेचुरेशन टावर होता है दूसरा कार्बोनेशन टावर होता है तीसरा चूने की भट्टी जिसको लाइम किन बोलते हैं और लास्ट कौन सा होता अमोनिया रिकवरी टावर सॉल्वे अमोनिया सोडा में मेथड में चार टावर होते हैं सेचुरेशन टावर कार्बोनेशन टावर लाइम किन अमोनिया रिकवरी टावर सेचुरेशन टावर में क्या होता है सॉल्यूशन सोल्यूशन होता ब्राइन सोल्यूशन किसे बोलते हैं एनए का वाटर में जो सोल्यूशन होता है उसे ब्राइन सोल्यूशन अमोनिया से सेचूरेट करते हैं और कार्बोनेशन टावर में पास करते हैं कार्बोनेशन टावर में सीओ गैस आ रही होती है अमोनिया वाटर और सीओ टू करके क्या बनाता है अमोनियम बाइकार्बोनेट बना बनाता है अमोनियम बाइकार्बोनेट और NaCl रिएक्ट करके सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है इसका प्रेसिपिटेट बन जाता है इसका प्रेसिपिटेट बन जाता है प्रेसिपिटेट को फिल्टर करके जब हम लोग हीट करते हैं तो यहाँ से क्या बन जाता है सोडियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट टेन एच टू ओ के साथ में एग्जिस्ट करता है टेन एच टू ओ के साथ में एग्जिस्ट करता है क्या बोलते हो उसे वॉशिंग सोडा बोलते हैं, है ना सेचुरेशन टावर में एन एस सी एल और एनएस थ्री होता है कार्बोनेशन टावर में एच टू ओ एन एस थ्री और CO2 टू कंबाइंड करके सबसे पहले अमोनियम बाई कार्बोनेट बनाते हैं अमोनियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है और एनएच फोर सी एल बनाता है इसका प्रेसिपिटेट बन जाता है फिल्टर करके जब हीट करते हैं तो हम लोग क्या मिल जाता है हमें वॉशिंग सोडा मिल जाता है लाइम किन में क्या होता है चूने का पत्थर CaCO3 को जब हीट करते हैं तो क्विक लाइम बनता है इसको क्या बोलते हैं क्विक लाइम इन सबके नाम बेटा बार बार याद कर लेना चूने का पत्थर ए क्विक लाइम बोलते हो तो CO2 गैस मिलती है सीओ टू गैस को कहां पर भेज देते हो कार्बोनेटिंग टावर में पास कर देते ये देखो सीओ गैस आ गई ना और को को वाटर वाटर के के साथ साथ ट्रीट ट्रीट करके जब करोगे तो क्या बन जाएगा सी ए ओ एस ट्वाइस बन जाएगा कहां पर भेज देते हैं अमोनिया रिकवरी टावर में जहां पर एनएच फोर सीएल कहां से आता है कार्बोनेशन टावर से आता है कंबाइंड करके क्या बनाते हैं अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं अमोनिया को फिर से कहां पर भेज देते हो आप सेचुरेशन टावर में भेज देते हैं ये पूरी प्रोसेस होती है इस प्रोसेस से हमें क्या मिलता है वॉसिंग सोडा मिलता है क्या मिलता है बेटा वॉसिंग सोडा एन ए टू सी ओ थ्री डॉट टेन एच टू ओ मिल जाता है एन ए टू सी ओ थ्री डॉट टेन एच टू ओ मिल जाता है इस प्रोसेस को क्या बोलते हो साल्वे अमोनिया सोडा मेथड यहाँ से क्या प्रोड्यूस करते हैं वॉशिंग सोडा प्रोड्यूस करते हैं अच्छा एक बात और समझ लीजिएगा यहाँ से जो एन ए एच सी ओ थ्री बनाया आपने एन ए एच सी ओ थ्री इसको क्या बोलते हैं बेकिंग सोडा बोलते हो एन ए एच सी ओ थ्री अच्छा कभी कभी इसमें सिंपल क्वेश्चन अगर बनाते हैं तो डायरेक्ट इसका नाम ही पूछ लेते हैं कि एन ए एच सी ओ थ्री का क्या नाम है तो हम क्या बोलेंगे बेकिंग सोडा एन ए टू सी ओ थ्री डॉट टेन टू का क्या नाम है इसको बोलेंगे वॉशिंग सोडा बोलते हैं ठीक है ना इस तरह से नाम भी पूछ लेते ये भी मैथड आपको गया अच्छे से ठीक है ना अच्छा सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बनाते हैं इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड भी इसी टॉपिक में है तो इसको बनाने के तीन मेथड हैं एक कास्टनर केलनर सेल दूसरा सॉल्वे केलनर सेल और तीसरी कौन सी नेल्सन सेल इन दोनों की प्रोसेस तो बेटा सेम होती है जैसे अगर एक्वस एक्वस एन की इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो क्या बन जाता है एन और सी बनता है एन ए प्लस कहाँ पर जाता है कैथोड पर जाता है एक इलेक्ट्रॉन कंबाइन करके मर्क्यूरी कैथोड किसका होता है मर्क्यूरी का कैथोड होता है यही किस क्या होता है कैथोड होता है तो कैथोड पर क्या करता है कैथोड के साथ रिएक्ट करके एनए बनाता है एनए की हाइड्रोलिसिस करने पर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाती H2 एच गैस मिल जाती है एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं कि कैथोड पर कौन सी गैस रिलीज होती है तो हमारा आंसर क्या होगा एच गैस रिलीज होगी कैथोड पर कौन सी गैस रिलीज होगी एच गैस और सोडियम अमलगम भी यहां पर फ्री होगा बट यहीं पर सीएल कहां पर जाता है एनोड एनोड पर पर जाता जाता है। है? है। है, और क्या करता दो इलेक्ट्रॉन करके क्लोरीन गैस बना के बाहर निकल जाता है। ये इसकी पूरी प्रोसेस ठीक ना कौन सी प्रोसेस है? आपकी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की ये दो मेथड आपके कवर हो कास्टनर केलनर केलनर वापस करते कैथोड तो पर कैथोड किसका बना मर्क्यूरी का सोडियम अमलगम बना लेता है सोडियम अमल गम सोडियम अमलगम बना लेता है सोडियम अमलगम की हाइड्रोलिसिस करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है बट क्लोराइड आयन कहां पर जाता है एनोड पर दो तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है ऑक्सीडेशन होता क्लोरीन गैस बना के बाहर निकल तो क्लोरीन भी यहाँ से आपका बाई प्रोडक्ट यहाँ से क्लोरीन और एच टू गैस भी बनती है ठीक है ना क्लियर हो गया होगा नेल्सन सेल बहुत आसान है एन ए प्लस और सी एल माइनस इसमें भी इलेक्ट्रोलिस करते हैं एन ए प्लस कहाँ पर कैथोड पर जाता है जहाँ पर वाटर पास कर रहे होते हैं एन ए एच और एच टू गैस बनती है क्लोराइड एन कहाँ पर जाता है एनओड पर जाता है दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्लोरीन गैस बना के बाहर निकल जाता है ये क्या हो गई आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की तीन मैथड हो गए दो तो के कॉमन ने है नेल्सन सेल थोड़ा सा अलग है ठीक है चलिए लास्ट टॉपिक सिखाने जा रहा हूं जरा ध्यान से देखिएगा डाउन प्रोसेस होती है सोडियम बनाने की डॉन प्रोसेस ये पहचानो मैं हूं कौन डॉन है ना डाउन प्रोसेस भाई अगर बात करें एनएसएल की तो इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वन जीरो एट फोर कैलोविन होता है और सोडियम जो होता है लगभग 1100 हंड्रेड पर 1100 हंड्रेड कैलविन से ऊपर थोड़ा क्या करता मेल्ट करता है मतलब वेपर में कन्वर्ट हो जाता है।, है ना एक तो उसका मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर और दूसरा सोडियम क्या होता है अलेवन हंड्रेड पे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है मुश्किल आती है वापस बता रहा हूं एनए सी एल की इलेक्ट्रोलिसिस अगर डायरेक्ट करेंगे तो उसका टेम्परेचर मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है है ना उस टेम्परेचर पर सोडियम के उसमें वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाती है कुछ सोडियम वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो क्या करते हैं इसमें सी ए सी एल टू मिला देते हैं तो फोर्टी परसेंट एन ए सी एल सिक्सटी परसेंट सी ए सी एल टू सी ए सी एल टू क्या करता है इसका मेल्टिंग टेम्परेचर जो मेल्टिंग पॉइंट कम कर देता कितना कर देता एट फिफ्टी टू एट सेवेंटी फाइव के कर देता मेल्टिंग टेम्परेचर को कम करने के लिए इसमें क्या ऐड करते हैं सीए सी एल टू ऐड करते हो तो सर हम लोग यही बोलेंगे कि सी ए सी एल टू क्या करता इसका जो है से कम करके 850 875 के कर दे। अब इसको मिलाने पर इलेक्ट्रोलाइट बन गया उसमें फोर्टी परसेंट एन ए सी एल सिक्सेंट सी एल टू एन ए सी एल की इलेक्ट्रोलिस होती है एनए प्लस कहां पर जाता कैथोड पर और कैथोड के अराउंड में हम लोग क्या रखते केरोसीन रखते रखते हैं 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 केरोसिन 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 अब तुम पूछोगे सर केरोसीन क्यों रखते ऐसे क्यों ऐसे नहीं कलेक्ट कर लेते नहीं कलेक्ट कर लेते हैं कि सोडियम बहुत रिएक्टिव होता ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड पर ऑक्साइड बनाने लग जाए वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो एन एच NaOH बना लेगा इसलिए हम लोग इसको किसमें कलेक्ट करते हैं केरोसिन में केरोसिन के साथ रिएक्ट नहीं करता सोडियम इसलिए हम लोग यहां पर इसको कलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं जो मीडियम होता है वो कैरोसिन का लगा थे। लगा देते हैं डाउन प्रोसेस में सीएल माइनस के साथ कोई तकलीफ नहीं है जो ग्रेफाइड कैनोड होता है वहां पर सीएल माइनस जाता है दो तो इलेक्ट्रॉन लूज करता सीएल टू गैस बना के बाहर निकल जाता है ना डाउन प्रोसेस में हमें क्या समझना है कि सीए सीएल टू क्यों ऐड करते हैं तो सिंपल सा है ये क्या करता है मेल्टिंग पॉइंट उसका मेल्टिंग टेम्परेचर कम कर देता है और इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस को आसान बना देता है एन ए कहाँ पर जाता है कैथोड पर कैथोड के अराउंड में क्या होता है मीडियम क्या होता है कैरोसिन क्यों वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है वाटर सॉरी वाटर के साथ एन ए रिएक्ट कर लेता है ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करता है कैसे वायलेंटली रिएक्ट करता है हिंसात्मक तरीके से मतलब जैसा नहीं कोई पच्चीस दिन का भूखा उसको भोजन देख ले तो मतलब अजीब टाइप की रिएक्शन करता है ना उसी टाइप से सोडियम वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ रेक्ट ये बेटा डाउन प्रोसेस हो गई ये सारी चीजें मैंने बता दी एक चीज यहाँ पर और है एक चीज और समझ लेना कि सॉल्वे अमोनिया सोडा मेथड से हम लोग के के टू थ्री क्यों नहीं बनाते हैं के टू सीओ थ्री एक क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है के टू थ्री क्यों नहीं बनाते हैं तो के टू थ्री नहीं बनाने का कारण ये है कि के एच थ्री जो होता है इसका प्रेसिपिटेट नहीं बनता है एच सी ओ थ्री का प्रेसिपिटेट नहीं बनता इसलिए के टू सी ओ थ्री हम लोग सोल्वे अमोनिया सोडा मेथड से बना नहीं सकते तो आज के लिए बेटा इतना ही बस लगभग लगभग सारे पॉइंट मैंने आपको ब्रीफ कर दिए हैं तो ध्यान से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ठीक है ना और जितना आसान जितना सिंप्लीफाई करके आप नोट्स बना सकते हो उसको बनाना क्योंकि पूरा का पूरा लर्निंग वाला पार्ट है इसको अगर आप करने जाओगे आप अपने आप से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा मेरे साथ करोगे तो एक डेढ़ घंटे में खत्म करवा दूँगा बस इतना ही बाकी नेक्स्ट क्लास में कर